भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में राम नाम की गूंज हमेशा सुनाई देती है, लेकिन इस वक्त अयोध्या की तस्वीर बदली बदली सी है। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का इंतजार खत्म हो रहा है। 5 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे पीएम मोदी के हाथों मंदिर का शिलान्यास होगा। भूमि पूजन का पूरा अनुष्ठान शुरू हो चुका है। ऐसे में अयोध्या नगरी में उत्सव का माहौल है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज अयोध्या पहुंचे। उन्होंने यहां रामलला के दर्शन किए और 5 अगस्त को राम जन्मभूमि पर होने वाले भूमि पूजन के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा भी लिया। आज जन्मभूमि पर वैदिक मंत्रोच्चारण और पूरे विधि विधान के साथ विघ्न विनाशक भगवान गणेश की पूजा हुई। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के पहले दिन पुजारियों ने श्री गणपति अथर्वशीर्ष पूजन किया और 1008 लड्डुओं से आहुति पाठ किया। ये द्वार कार्यशाला का द्वार है और अब आज जश्न का माहौल कुछ ऐसा है कि यहाँ राम के भजनों की धुन है। बड़े स्तर पर यहाँ भजन सुनाए जा रहे हैं, बड़े स्तर पर यहाँ राम स्तुति की जा रही है। इतना ही नहीं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। राम नाम की धुन हो और शंखनाद हो तो आप समझ सकते हैं माहौल किस तरह से भक्तिपूर्ण हो जाता है। इस कार्यशाला को भी फूलों से सजाया गया है और सजावट अभी भी जारी है। यानी अयोध्या में सचमुच दीपावली वाली तस्वीरें हैं। जितना जश्न जोश दुनिया भर में दीपावली के दिन दिखाई देता है, वैसा ही कुछ अयोध्या में दिखाई दे रहा है। सुशांत सुसाइड मिस्ट्री कब सुलझेगी, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इस केस की जांच को लेकर अब 2 राज्यों की पुलिस और सरकारें आमने सामने। कल रात मुंबई पहुंचे पटना के सिटी SP विनय तिवारी को BMC ने जबरन क्वारंटीन कर दिया। इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। नीतीश कुमार ने कहा, जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। मुंबई पुलिस का बिहेवियर पटना पुलिस के साथ रहा है, कैसे देखते हैं? IPS अधिकारी को जबरदस्ती क्वारंटाइन किया गया है कल। ये हमारे सरकार की तरफ से DGP ने पूरी सूचना दी है और वो खुद भी वहां बात करेंगे। उनके साथ जो कुछ भी हुआ है ये ठीक नहीं है, ये बातचीत करेंगे सर। वहाँ बात करेंगे वहां के CM से। पॉलिटिकल बात नहीं है ये, तो सीधे जो कानूनी जिम्मेवारी है बिहार पुलिस के प्रति, उस जिम्मेवारी को हम निभा रहे हैं। उसी कानून काम वैसी परिस्थिति में उनसे बातचीत हमारे DGP से। क्या CBI इंक्वायरी भी होगी सर? कल मुंबई पहुंचते ही BMC ने पटना के CTSP विनय तिवारी को क्वारंटीन कर दिया था। विनय तिवारी को गोरेगांव के एक गेस्ट हाउस में रात बितानी पड़ी। विनय तिवारी IPS ऑफिसर्स मेस में ठहरना चाहते थे, इसको लेकर उन्होंने मुंबई पुलिस से भी बात की थी। बावजूद इसके उन्हें गोरेगांव में शिफ्ट कर दिया गया। क्वारंटीन करने के पीछे BMC ने नियम का हवाला दिया तो बिहार पुलिस के DGP ने BMC की इस कार्रवाई पर सवाल उठा दिया है। गुप्तेश्वर पांडे ने ट्वीट करके कहा कि SP विनय तिवारी को जबरन क्वारंटीन किया गया है, कई बार कहने के बावजूद उनको IPS मेस में नहीं ठहरने दिया गया। BMC ने विनय तिवारी को 15 अगस्त तक के लिए क्वारंटीन कर दिया है। IPS विनय तिवारी को क्वारंटीन किए जाने से बिहार के DGP खासे नाराज है। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि अब इस मामले में कहने को कुछ नहीं रह गया है। सीनियर SP ने अपने काउंटर वार्ड को खबर किया था, ये जा रहे हैं, इनको एकोमोडेशन चाहिए, इनको गाड़ी चाहिए, सुरक्षा कर्मी चाहिए, सब किया हुआ था। IPS मेस के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ था, IPS मेस नहीं मिला उनको, तो उन्होंने अपनी व्यवस्था से कहीं किसी गेस्ट हाउस में रहने की व्यवस्था की। रात में 11 बजे पता चला कि उनको क्वारंटाइन कर लिया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से IPS विनय तिवारी को क्वारंटीन किए जाने को लेकर जब सवाल पूछा गया तो देखिए कैसे उद्धव के गृह मंत्री जवाब देने से बचते नजर आए। बिहार के IPS को मुंबई में क्वारंटीन किए जाने को लेकर सियासत में उबाल आ गया है। महाराष्ट्र में BJP नेता किरिट सोमैया ने उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साधा तो बिहार में विपक्ष में बैठी RJD ने नीतीश सरकार और बिहार पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया। समझ में नहीं आ रहा है कि ठाकरे सरकार, मंत्री, ये सुशांत सिंह और रिया वाले मामले की जांच से इतना डर क्यों रहा है? पूरा देश जानना चाहता है कि क्या वजह है, निष्पक्ष जांच हो तो सरकार इनकी है, ये लोग आखिर क्यों इतना विलंब कर रहे हैं? सुशांत सिंह राजपूत।